ज्ञान की किताब भाग टू का प्रथम अध्याय संसाधन प्रथम अध्याय संसाधन का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसा कि आप अपने चारों ओर देखते हैं तो हर तरफ प्राकृतिक संसाधन आपको दिखाई देंगे। आपको आप पीने के लिए पानी, खाने के लिए खाना और लाइट, बिजली, हर वस्तु है वो हमें प्राकृतिक संसाधनों से ही प्राप्त होती है। इस प्रकार संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं वो मानव निर्मित होते हैं। संसाधनों का प्रकार संसाधनों को दो भाग में बांटा गया है। नंबर एक प्राकृतिक संसाधन, नंबर दो मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। प्रकृति जो प्रकृति से सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जो संसाधन हमें प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं वे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। कुछ प्राकृतिक संसाधन को विशिष्ट प्रौद्योगिकी एवं औजारों की आवश्यकता होती है। संसाधनों को प्राप्त करने में औजारों की आवश्यकता होती है तो कुछ संसाधन हमें प्रकृति से निःशुल्क रूप से मिलता है। प्राप्त होते हैं जैसे हवा, पानी, पवन, सौर ऊर्जा आदि। संसाधनों को
विस्तृत रूप से जानने के लिए इन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर एक प्राकृतिक नवीकरणीय संसाधन, नंबर दो अनवीकरणीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से जानने के लिए इन्हें दो भागों में विभाजित किया गया, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। प्रथम भाग है नवीकरणीय संसाधन, जो संसाधन समाप्त होने पर या शीघ्रता से उन्हें पूरित किया जा सके या उन्हें बनाया जा सके, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इन संसाधनों पर मानव की क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये स्वयं निर्मित है। पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा आदि नवीकरणीय संसाधन, जो संसाधन समाप्त होने पर या शीघ्रता से पुनः पूरित किया जा सके या पुनः बनाया जा सके उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इन संसाधनों पर मानव की क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये स्वयं निर्मित है, जैसे पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा आदि। नवीकरणीय संसाधन प्राकृतिक संसाधन का दूसरा भाग है वो अनवीकरणीय संसाधन है। वह संसाधन जिनका भंडार क्या है, सीमित है, अनवीकरणीय संसाधन
वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, अर्थात एक बार समाप्त हो जाने पर उन्हें पूरी होने या बनने में वर्षों लग जाते हैं। वे संसाधन जिनका भंडार सीमित होता है, अर्थात एक बार समाप्त होने के बाद पुनः बनने में वर्षों लग जाते हैं, अर्थात मानो अपने जीवन काल में इसे उन्हें प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे कोयला और पेट्रोलियम, आदि नवीकरणीय संसाधन है। कोयला एक बार खत्म हो गया तो पुनः वापस कोयला नहीं बनता है, पेट्रोल अगर एक बार खत्म हो गया तो ये वापस दोबारा नहीं बनती है। इस प्रकार से उपयोग अतः हमें प्राकृतिक संसाधनों में से अनवीकरणीय का प्रयोग सतर्कता पूर्वक करना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण प्रकृति के भौतिक बनावट प्राकृतिक संसाधनों का वितरण प्रकृति की भौतिक बनावट ऊंचाई और उसकी जलवायु पर निर्भर करती है।